का समय देने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताऊं जो लेबनान से है, जहां पेजर ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या जो है वो बढ़ गई है। सांसद के बेटे समेत अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। ईरान के राजदूत समेत 400 से ज्यादा लोग जो है वो शुरुआत में जब जख्मी बताए जा रहे थे तो अब यह आंकड़ा बढ़कर 4000 हो गया है। तो 4000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी है इस वक्त, जो ताजा आंकड़ा आया है। वहीं सीरिया में भी पेजर ब्लास्ट से कई लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। और आपको बता दें इसके बाद हिजबुल्ला ने बदला लेने की धमकी दी है। तो जो एक के बाद एक सीरियल पेजर में ब्लास्ट हुए हैं उसके बाद से जो तमाम तस्वीरें नजर आई हैं, जहां आपको बता दूं कि पिन पॉइंटेड अटैक जो है वो मोसाद की तरफ से उन तमाम पेजर्स पर किए गए जो कि लेबनान के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे। और इसके बाद अब आपको बता दूं कि हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल को धमकी दी गई है कि वो इसका बदला लेगा। तो पेजर ब्लास्ट से हिजबुल्ला ही नहीं, ईरान के राजदूत को भी निशाना बनाया गया। जिन पेजर धमाकों से दहला हिजबुल्ला वो ताइवान से आपको बता दूं लेबनान पहुंचे थे। और जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया है, आपको बताऊं कि आतंकी जो हिजबुल्ला के थे वो इसराइल पर हमला करने के लिए, ताकि उनकी लोकेशंस को ट्रेस ना कर लिया जाए, फोनों के इस्तेमाल को उन्होंने बंद कर दिया था और पेजर नाम के जो डिवाइस है उसका वो इस्तेमाल करने लगे थे। और उसके बाद इसराइल ने इन तमाम पेजर्स को टारगेट बनाया और एक के बाद एक कई धमाके जो हैं वो इन पेजर्स के जरिए किए गए और कई लोग जो हैं उसमें घायल हुए हैं। 4000 जो है वो आंकड़ा है। तो लेबनान में पेजर्स को निशाना बनाकर हिजबुल्ला पर बड़ा हमला किया गया। अब तक आपको बता दूं 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये ब्लास्ट हिजबुल्ला के सभी लड़ाकों के पेजर्स में हुआ। इन पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए करते हैं। इसराइल ने इन्हें हैक करके धमाका करा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि इसराइल ने आखिर पेजर को ही निशाना क्यों बनाया और इसका हिजबुल्ला से क्या खास कनेक्शन है। ये भी मैं आपको बता दूं, इसराइल और हिजबुल्ला की जंग किसी से छुपी नहीं है। हिजबुल्ला के लड़ाके आपस में बात करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल वो इसलिए करते थे क्योंकि इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिससे इसे हैक किया जा सके, ये माना जा रहा था। वहीं इसराइल ने इसे इसलिए निशाना बनाया क्योंकि ये डिवाइस ज़्यादातर सभी लड़ाके अपने पास रखते थे, यानी अपने शरीर से करीब रखते थे, और इससे ब्लास्ट का असर